क्लास टेंथ का मैथ्स का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है इक्वेशंस इस चैप्टर की एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रेंगल इज सेवन सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस अब इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ये बोला जा रहा है कि एक राइट right है और उसके अंदर ऑल्टीक्यूट की, की लेंथ बेस की लेंथ से सेवन से सेंटीमीटर कम है तो हमने भी पहले तो एक रैक ट्रैंगल बना दिया देखो इस ट्रैंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल बी है उससे हमने नाइंटी डिग्री का शो किया है जहां पर नाइंटिक एंगल होता है ना उसके सामने उसके ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है ये जो नीचे वाली साइड है उससे हम बेस मान रहे हैं और ये वाली जो साइड है ये फिर ऑल्टी हो जाएगी क्रैंगल की तीन साइग होती है ना जहां पे 90 नाइनटिक एंगल होता है उसके सामने वाली साइड वो हाइपेट होती है ये जो नीचे वाली साइड है इससे हम बेस ले रहे हैं तो फिर ये वाली जो साइड है ये ये हो जाएगा अब बेस बेस की लेंथ कितनी है है हमें क्या पता तो हम मान लेते हैं जो बेस है ना बेस की लेंथ को हमने एक्स मान लिया अब इसमें से आपने सेवन माइनस करना है तो एक्स माइनस सेवन वह ऑल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ना ऑल्टीक्यूड इज सेवन सेंटीमीटर लेस बेस जो है, उसकी वैल्यू बेस की वैल्यू से सेवन सेंटीमीटर कम है तो बेस अगर हमारा x है तो जो ऑल्टी क्यूग है वो x माइनस सेवन होगा इफ द हाइपोटन्यूज इज थर्टीन सेंटीमीटर हाइप्रोट की वैल्यू थर्टीन सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है तो हमने भी अपनी फिगर के अंदर जो हाइप्रेन्यूस है ना उसे थर्टीन सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया फाइंड द अदर टू साइड्स ये जो बाकी के दो साइड्स हैं इनकी हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन क्लियर हो गया एक राइट राइट्रैंगल है उसके अंदर एंगल बी नाइनटी का है एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपन होती है और उसकी लेंथ थर्टीन है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है बेस की लेंथ कितनी है वो दे नहीं रखा था अब बेस की लेंथ कितनी है हमें क्या पता तो हमने बेस की लेंथ को x मान लिया बेस अगर आप x ले रहे हो तो जो है वो x माइनस सेवन होगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ऑलकी इज सेवन सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस ऑल्क इज सेवन सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इसलिए बेस अगर एक्स है तो ये एक्स माइनस सेवन होगा क्वेश्चन क्लियर हो गया अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर आंसर के अंदर सबसे पहले तो आप फिगर बनाओगे उसके बाद आप ऐसे लिखोगे लाइक द बेस बी एक्स सेंटीमीटर बेस हमने एक्स ले लिया देन ऑल्टी इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन तो जो ऑल्टी है वो एक्स माइनस सेवन होगा और हाइपेड न्यूज है ये तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था इतना क्लियर अब इक्वेशन बनाने के लिए हम इस ट्रैंगल के अंदर ना पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेंगे एंगल 90 डिग्री का है ना राइट ट्रैंगल है ना तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो हाइपेड का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंगुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर तो इन ट्राइंगल एबीसी हाइपेड का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंगुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देना बाय पाइथागोरस थ्योरम है ए सी है और बेस बी सी है अगले स्टेप में इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते हैं ये ए सी की वैल्यू थर्टीन है थर्टीन, A, B. A, B की वैल्यू है एक्स माइनस सेवन तो ए बी की जगह पर एक्स माइनस सेवन लिखा ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है और BC की लेंथ एक्स है तो बी सी की जगह पर आपने एक्स पुट कर दिया अब थर्टीन का स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन और एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए यूज करनी है ए माइनस बी होल स्क्स बी स्क्वाइनसिकी को एक्सपैंड कर दिया और ये लास्ट वाला एक्स स्क्टीन का ये 169 का स्क्वायर होता है फोर्टी नाइन इनको मल्टीप्लाई करके माइनस फोर्टीन एक्स आता है और ये वाला एक्स स्क्सर एज इज अब एक्स स्क् और एक्स स्क् टू एक्स बन गया

ये 49 नाइन माइनस वन इसे सिम्पलीफाई करके माइनस वन ट्वेंटी आ जाता है ध्यान से रखना यहाँ पे 2 है यहाँ पे 14 है माइनस फोर्टीन और यहाँ पे माइनस वन ट्वेंटी ये वाले जो नंबर्स हैं ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं जब भी डिविजन हो रही हो ना किसी भी नंबर से अगर डिवीज़न हो रही हो तो कर देनी चाहिए ऐसा करने से नंबर्स छोटे हो जाते हैं और छोटे नंबर्स में कैलकुलेशन करना आसान काम होता है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू जीरो को तो किसी से भी डिवाइड करो और जीरो ही रहेगा यहां पे टू से डिवाइड करने की वजह से ये टू हट गया सिर्फ एक्स स्क्र बचेगा यहां पे फोर्टीन को टू से डिवाइड किया तो माइनस सेवन एक्स और ये माइनस वन ट्वेंटी को टू से डिवाइड करने पे माइनस सिक्सटी रह गया ये इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने की बजाय उसे राइट हैंड साइड पे आप लगा सकते हो तो एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी टू जीरो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अब इस क्वाग्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिकिंग द मिडिल टर्म वाले टेक्निक को हम यूज करेंगे अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करने के बाद माइनस सेवन आए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस सिक्स की आना चाहिए आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करने के बाद माइनस सेवन आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस की आना चाहिए ऐड करने के बाद वही आना चाहिए जो कि मिगल टर्म का कोफिशियंट होता है जो एक्स वाले टर्म में एक्स के आगे जो नंबर लिखा होता है वो और मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इस कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स स्क्र के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करके आता है इस माइनस की को एक्स स्क् के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आता है अब यहां पर एक्सक्वेयर के आगे तो कोई भी नंबर नहीं है जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है तो माइनस सिक्स की मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स की दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स की आए और ऐड करके माइनस सेवन आए तो माइनस ट्वेल्व और फाइव ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं इन्हें ऐड करके माइनस सेवन आएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स की आएगा तो माइनस ट्वेल्व और फाइव अगर आपको ना पता चले ना डायरेक्टली तो ये जो सिक्स की है ना इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो वहां से आपको हिंट मिल जाएगा एक्सपीरियंस के बाद आपको डायरेक्टली पता चलना स्टार्ट हो जाएगा चलो स्प्लिट करते हैं है। है लिखोगे जो -7x है, इसे -12x प्लस 5x ऐसे कर और ये माइनस एक्स की क्या माइनस सिक्स की एज इट इज अब फर्स्ट टू में से आपने एक्स कॉमन लेना है तो एक्स माइनस ट्वेल्व बचेगा ये लास्ट वाली जो टू टर्म्स हैं इन दोनों में से फाइव कॉमन लो तो यहां पर भी एक्स माइनस ट्वेल्व रह जाता है एक्स माइनस ट्वेल्व यहां पर भी है एक्स माइनस ट्वेल्व यहां पर भी है तो अगले स्टेप में आपने कॉमन ले लेना है को जब यहां से आप कॉमन लोगे तो इधर से एक्स बचेगा और यहां से प्लस फाइव बचेगा तो एक्स प्लस फाइव ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया अब दो टर्म्स को दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो या तो फर्स्ट टर्म जीरो या फिर सेकंड टर्म जीरो तो अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स को ना अलग-अलग से जीरो के इक्वल पुट करेंगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं देखो तो यहां तक पहुंच गए थे ना अब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो या तो फर्स्ट टर्म जीरो के इक्वल होगी या फिर सेकंड टर्म जीरो के इक्वल होगी इधर x 12 0 और x 5 0 फिर जो x 12 है यहां पे इसको सॉल्व करते हैं ये -12 जिस तरफ आएगा तो प्लस +12 हो जाएगा तो x की वैल्यू अगर 12 आ रही है तो इसका मतलब जो बेस है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है बेस की लेंथ पता चल गई तो ऑल्टीक्यूट एक्स माइनस सेवन था x की जगह पे ये जो वैल्यू आ चुकी है 12 वो पुट कर देते हैं 12 माइनस सेवन इज इक्वल टू फाइव तो ऑल्टीक्यूड फाइव सेंटीमीटर का होगा दूसरे केस पे आते हैं x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो फाइव को इस तरफ लेके आओ तो यहां पर एक्स की वैल्यू माइनस आ रही है इस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव जो एक्स है ना वो ट्रैंगल में जो बेस था ना उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो लेंथ कैन नेवर भी नेगेटिव हेंस दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड तो ये हमारा आंसर है बेस की लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड की, की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर 12 एंड 5 दिस इज आंसर